ये घटना हुआ था 12 बजे रात को। क्या हुआ था घटना? क्या हुआ? घटना हुआ, तेंदुआ मार दिया था जान से। हम लोग आके घर पे सोए थे हम, तो वहाँ से आके देखे तो यहाँ पे, जब तक मैं घर से आऊँ तब तक यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। क्या था आपका वो? मेरा भतीजा था। अब ये लाइट वाइट नहीं साहब, पूरा अंधेरा रहता है पूरा रोड। एलान से तो अगर उजाला होता तो काहे बच्चे को मार डरता पाल। लगभग 2 महीना कांड को हो गया, लेकिन आज तक किसी ने देखने नहीं आया यहाँ पे कि मतलब लाइट चालू हो। और सबसे बड़ी समस्या, अगर लाइट होती, उजाला होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। आए दिन, अभी भी तेंदुआ आए दिन 2-4 दिन में एक बार जरूर किसी ना किसी को नज़र आता है। लड़का हमारा बगलिए माँ वल्ला रहा, और आवा 11-11:30 बजे रात को यहाँ पकड़ ले, और गिरा लड़का हमार, तब उठ कर बैठन तहली भाग गवा, लड़का हमार खत्म हो गवा। छप हुआ तो घर बना हुआ तो बच्चा बच जात, आड़ बंद से रहा, जब आड़ बंद ना रहा खोला मैदान नहा, टूट रहा छप्पर, तो आवा जानवर पकड़ ली सापन। कहते कि आवाज हमारे गांव में कुछ नहीं मिला, फिर लाइटरिंग कोई कोई पाया, कोई नहीं पाया। और इमा चूल्हा 10, इतना बड़ा गांव है, 10 आदमी पाया, कोई और पैबे नहीं, किंतु कि का है, कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है इस गांव की महिलाओं के लिए क्या है? लाइट है। क्यों? क्योंकि उजेर रहा है, बच्चे के लिए सुरक्षित रहा है। 6-7 महीने हो गया है पोल गड़े हुए, ट्रांसफार्मर भी लग गया, अभी यहाँ कोई लाइट की कोई बात ही नहीं हुई। छप्पर पीछे से तेंदुआ ने चढ़कर इस लड़के को पकड़ लिया, फिर इस लड़के को ऐसे पकड़ा कि छत पर लेटाए थे इसको पकड़ के, तो इसके कमर पे काटे पीछे तरफ, फिर हम लोग देख लिए तो हम लोग उनको दौड़ाए तो भाग गए, फिर इसको ले लिए, फिर दवाई हुआ। ज्यादातर जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, कैसे आप लोग रहती हैं खौफ में? कैसे रहते हैं? छत पर नहीं रहते, 4-10 बजे तक रहते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं नीचे। इतने गर्मी होता है, ना लाइट है ना पंखा है, घर पे लेटते हैं बच्चों को लेके। आपके घर में लाइट, आपके गाँव में लाइट नहीं? लाइट नहीं है, सब लोग आते हैं ऐसे ही कह देते हैं, किसी को काटे, किसी को नोचे, किसी को तो एक बुढ़िया को नोच लिए, एक जने का कान खा लिए, ऐसे कह देते हैं कि आएंगे लाइट देंगे, उसके बाद देते ही नहीं है। अगर लाइट रहे तो फिर तो इस चीज़ों से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है बिल्कुल, पुले में उजाला रहेंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं, दिन बैठने के बाद हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। जिस दिन यहाँ हादसा हुआ उसी दिन एक गाँव बगल में अतरपरी है, वहाँ एक मतलब लगभग 40-40 साल की एक बुढ़िया थी, उसको भी अटैक किया। और ये हादसा, इसके पहले भी एक बच्चा अतरपरी में मर चुका है लगभग 1 साल पहले, वो तेंदुए के हादसे से मरा है। और यहाँ इस आस पास गाँव पे कटकुइयाँ हुआ, भटपुरवा हुआ, टेंगनवार में एक हादसा हुआ, ऐसे मतलब ये जितने जंगल से सटे हुए गाँव हैं उसमें यही हादसा, यही समस्या। एक हमारे दुंदरा गाँव में एक लड़का, वो लगभग 15 साल का लड़का था, वो भी इसी हादसे से मरा। यही बगल में रोड के उस पार में लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे उसमें उस यही हादसा वहाँ पे भी हुआ था। हमने साथ भवन में चला तो छन आदमी कोई रहा नहीं, 4 बजे टाइम हो चलू उठे चलू हमारे नोट डायरी हमारे मलकिन का, हाँ बेटी कहें तो पकड़ी रहा 6 बजे टाइम में साहब गाय बांधते हैं, अभीठों से उठी रहा जाते ही चलिए बिटिया खून चला, बिटिया पहले से बिटिया को बचाए ना, तो दोहरौनी बिटिया कहें एकदम से लेके भाग चल यहाँ, लेके भाग गया, भाग गया रहा। चंदुआ काटा था, कैसे काटा? कब कब कितने बजे की बात है? 4 बजे काटे। दूर भी नल भी दूर है, पीछे तरफ से कैसे जाए हम लोग वहाँ? पानी पीने की व्यवस्था आपके गाँव में? पानी पीने का तो दूर दूर में है, हमारे यहाँ नहीं है, वो पीछे लगे हैं वहाँ पर नल। सिलेंडर मिला है आपको? नहीं, ऐसे सिलेंडर नहीं मिला, खरीदा है। शौचालय टॉयलेट ये है हमारे ससुर के नाम से, हम लोग आपने खुद बनवाए आप लोगों ने या मोदी सरकार के? नहीं, हम लोग खुद बनवाए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं मिला सरकार? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। जंगल विभाग वाले आए और बता कर चले गए, एक दिन आए यहाँ पे बैठे थे और बोले आग वाग जलवाए, यहाँ वो रखवा दिए पिंजड़ा, और उस पिंजड़े से कोई मतलब ही नहीं, उसको घर के बगल में रखवा दिए, जहाँ पे पिंजड़ा रखना चाहिए वहाँ नहीं रखा गया। और यहाँ केवल बस वही जिस दिन हादसा हुआ उसी के 1-2 दिन मतलब दिखाई दिए, उसके बाद कोई ना देखने वाला ना कोई आने वाला। यहाँ पे तेंदुए के पैर को जो है कुत्ते का पैर बता रहे हैं। अगर कौन बता रहा है? जैसे जंगल विभाग वाले को दिखाओ तो वो हम ही लोग को बताने लगते हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो, ये कुत्ते का पैर है, तुम तेंदुए का पैर बता रहे हो। ज-
जी सर, प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5 तक है। छोटे बच्चों को आना मना है? नहीं, जो छोटे छोटे एकदम छोटे थे बच्चे जो वहाँ पे जाते थे, जिसको समझ में नहीं था, तो यही तेंदुए के हाथ से की वजह से थोड़ा वो मास्टर साहब बताया कि जितने ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको मत भेजिए, और जो उस लायक बच्चे हैं जो है तीसरी चौथी दूसरी क्लास, उनको थोड़ा बच्चों को फिर बुलाए, वो अपने साथ लेकर जाने लगे और वहाँ एक आदमी को लगा दिए पीछे। वो खड़ा रहता था, जब बेचारे पेशाब करने जाते थे तब भी वो खड़ा रहता था, और कहीं जाना हुआ तब भी वो खड़ा रहते थे। एक आदमी वहाँ जो खाना बनाने वाला था उसको उसकी ड्यूटी लगवा दिए थे। इस गांव का अगर पूछा जाए आपसे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी इस गांव में काम करते हैं, मेन मुद्दा क्या है इस गांव का? सर, इस मेन मुद्दा इस गांव में बहुत कमी है, बताइए। इस रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, इस गाँव में है क्या क्या है इस गाँव में? हम तो कुछ नहीं जान रहे इस गाँव में, कौन सा हमें फ़ायदा मिला, कौन सा क्या हुआ इस गाँव। 12 तारीख को आप लोग वोट करने जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे? नहीं, क्यों नहीं करने जाएंगे? क्या मुद्दा है, क्या सोच करके वोट करेंगे? सर, अब क्या सोच करके, हम लोग यहाँ कितनी परेशानी है जान रहे हैं आप। यहाँ किसान परेशान है खेत से, सब बहला जानवर खेत चरे लेते हैं, सब वो सब परेशान है। यही सब मुद्दा है, वो अपना वोट तो करना ही है, लेकिन अभी मुद्दा तो यही है कि अपना किसान अलग परेशान, यहाँ लाइट वाइट है नहीं, हम लोग अलग परेशान, यही सब सारी बातें हैं सर। कुछ मिले या ना मिले, सरकार जी हम लोगों को लाइट की व्यवस्था दे दें, क्योंकि बच्चे के बचत हो जाएंगे, घर पे हमारे उजेले होंगे, घर पे हम लोग पंखा लगा के लेट तो सकते हैं बच्चे लेके। क्या कह रहे थे, लाइट दिया जाए, बिजली दिया जाए। देखो सांसद रहे हुए ददन मिश्रा यहाँ तक आए, पार्टी के किस पार्टी, मोदी सरकार के पार्टी के, कुछ नहीं दिए। हम लोग का 8 रोज का कह के रहा कि 8 रोज में पूरा व्यवस्था कर देंगे, 8 के दिन के। क्या वोट को लेके क्या कह रहे थे, वोट नहीं देने को? वोट देने का यही, जब हम लोग का कुछ मिल नहीं रहा है तो वोट देने से क्या फायदा है, हम लोग सरकार के घरे है ये नहीं, तब है कि नहीं है। अभी हम लोगों को गाय से ही परेशानी कि हम लोग फसल ही नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही कि जो खेत में गन्ना गेहूँ कुछ लगा दे हैं तो बहला गाय सब चढ़ के पूरा सत्यानाश कर दे रही है। हम लोग इतना भर्ती लगा के बोते हैं, फिर भी उससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, यही हम लोगों को दिक्कत है। हमारे गांव में जितने मोदी जी की योजना आई हमको नहीं मिला, और हमारे गांव कह रहे हैं कि उसमें नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो जब गांव में नाम ही तुम्हारे लिस्ट में नहीं है तो हम लोग मतदान का किस लिए दिया जाए? तक हम लोग लाइट का मतलब लाइट हमारे गांव में नहीं आ जाती है, हम वोट नहीं डालेंगे। खंभा जो है बिजली का खंभा, ये तो गिरा हुआ है सर, ये एक बार और गिरा था 5 साल पहले सर, वो उठ के चला गया, तो इस खंभे का क्या भरोसा सर? आज गिरा है, जब वोट लेना है तो लाके गिरा दिए हैं सर, और जब वोट निकल जाएगा तो सर लेके चले जाएंगे। इसलिए हम लोग का कहना है सर कि जब तक तार और ट्रांसफार्मर यहाँ कल तक नहीं गिर जाता है सर, तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे। सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं। किसानों का कहना ये भी है कि इस गाँव में पानी भी नहीं है जिससे वो अपनी खेती कर सकें, और ख़ास करके जो है तेंदुए से बहुत परेशान है यहाँ के लोग। ज़्यादातर लोग जो है अपने खेतों को छोड़ करके अपने बच्चों के देखभाल के लिए पूरी रात जगे रहते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर भी हैं, वो बताएंगे कि कैसे इस गांव के लोग डर के साए में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या नाम है आपका? चक्रधर तिवारी। क्या है हालात? ये हालात ये है कि आए दिन जंगली जानवरों का आतंक यहाँ जारी रहता है, और लगभग एक सप्ताह में ये तेंदुए गांव में घुस जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आने के बाद सिर्फ लाश पोस्टमार्टम करवाने के बाद फिर अपने स्थान पे वापस चले जाते हैं। लोगों का ये मानना है कि जंगली जानवर गर्मी के सीज़न में पानी की तलाश में भटक कर गाँव की तरफ प्लान कर जाते हैं, जबकि जंगल विभाग में ये बताया जाता है कि नियम है कि वहाँ इसके अंदर जो तालाब पोखरे हैं वहाँ पानी भरवाया जाए ताकि जंगली जानवर बाहर ना जाएं, लेकिन वन विभाग के द्वारा ना तो कहीं पानी भरवाया जा रहा है और ना बाहर ही कहीं पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से जंगली जानवर जंगल से निकल कर और आबादी की तरफ चले आते हैं, और ऐसे में मासूमों हमारे यहाँ छोटे छोटे जो मासूम हैं ये जंगली जानवरों की शिकार हो रहे हैं। तो अब यहाँ अगर फसल ना रखवा जाए तो सब जानवर खाए जाते हैं, फसल रखावे जा जाते हैं तो वहाँ तेंदुआ पकड़ते हैं। तो आप लोग जैसे बताओ जैसा वही हिसाब से हम लोग क्या करें, कैसे बच्चे जियावें या ना जियावें। यहाँ के ज़्यादातर किसानों का कहना ये है कि जब वो अपने खेत की रखवाली कर रहे होते हैं तो तेंदुआ जो है उनके बच्चों को लेकर के भाग जाता है, मार के खा जाता है।
और जब वो अपने घर की रखवाली कर रहे होते हैं तो उनके खेतों को जो है जंगली जानवर और तेंदुआ नुकसान करते हैं। वो जाएं तो जाए कहाँ? उनका कहना यह है कि आज तक 70 साल में कभी भी जो है किसी की सरकार में कोई भी नेता आकर के उनके गाँव में लाइट क्यों नहीं लगी, उसका कभी किसी ने हालचाल नहीं पूछा क्यों नहीं लाइट लगी। गाँव वाले बहुत हताश हैं, मोदी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उनका कहना यह है कि हमारे गांव में जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ सुहेल दो फॉरेस्ट एरिया के, वहाँ पर ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाए कि हमारे बच्चे सिक्योर और सेफ़ हो सकें तेंदुआ से।